आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की एफिकेसी आई है वो 60-70% है, पर सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है ये फिर भी ज़्यादा वायबल है। तो क्यों है हम देख लेते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि अगर डोसेज को हम चेंज करते हैं तो इसकी एफिकेसी ज़्यादा भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर हम हाफ डोसेज देते हैं उसके बाद 1 महीने के बाद अगर फुल डोसेज देते हैं तो उसकी एफिकेसी 90% होती है। और इसके अलावा ये वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए वायबल साबित हुई है। और अभी इसका इंडिया का ट्रायल का रिजल्ट आया भी नहीं, अभी इंडिया में फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। तो जो एफिकेसी का रिजल्ट आया है वो ट्रायल्स जो यूनाइटेड किंगडम से ब्राज़ील में हुए थे उसके अकॉर्डिंग इसकी एफिकेसी पता चली है। अभी इंडियन में जो ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में उसका रिजल्ट दिसंबर तक आएगा, तो दिसंबर में पता चलेगा कि इंडिया में इस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है। इंडिया में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनुफैक्चर कर रहा है और कोविशील्ड के नाम से। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। टेक रिलायंस ड्यूरिंग कोविड हैज़ लेड टू न्यू इनइक्वालिटी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अब जस्टिस पैंडमिक की वजह से टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गई है, तो उसकी वजह से एक तरीके की इनइक्वालिटी जनरेट हुई। फॉर एग्जांपल जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो ही जस्टिस को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना था कि अब कॉमन लैन को जस्टिस लेने में बहुत ही हैम्परिंग हो रही है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि आप कुछ सोल्यूशंस निकालिए इस न्यू काइंड ऑफ इनइक्वालिटी के। इसके अलावा कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था तो इसी को कमरेट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ पर ही ये सारी बातें बोली गई थी। इसके अलावा जस्टिस एनवी रामना जो इसके बाद ये जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस ही एनवी रामना ही बनेंगे, तो इन्होंने क्या सारी बातें बोली। इन्होंने बोला कि आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उनका बहुत ही ज़्यादा अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इन क्रिटिसिज्म का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि हर जो भी ऑर्गेन है फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी वो तीनों बहुत मेहनत करें और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल करें। यही एक आंसर हो सकता है इस अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म का। देर इज अ ट्रेंड ऑफ अनफेयर एंड अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। सच क्रिटिसिज्म डिस्ट्रॉयज द पब्लिक ट्रस्ट विच हार्म्स द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। द ओनली आंसर फॉर दिस क्रिटिसिज्म इज टू वर्क हार्ड टू फुलफिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, नथिंग शुड डिटर अस। तो उनका ये कहना है कि इस अनफाउंडेड क्रिटिसिज्म का क्या ही आंसर हो सकता है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को सही से फुलफिल करें, सारे ऑर्गन्स अपना काम ढंग से करें, हार्मनी मेंटेन करके करें, एफिशिएंट चेक्स और बैलेंसेस के साथ करें। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अभी ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रही थी बहुत दिनों से कि जो कॉर्पोरेट्स हो रहे हैं उनको बैंक में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, ये आरबीआई के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है। तो इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, तो वो रिस्क कुछ कुछ बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो माना गया है कि इससे बहुत ही ज़्यादा कैपिटल आएगा अगर हम कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग लाइसेंस दे देंगे, क्योंकि उनके पास बिजनेस एक्सपीरियंस होता है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस होती है। लेकिन इससे ये भी होगा कि रिलेटेड पार्टी लैंडिंग बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी इंडस्ट्रियल हाउस का कोई बैंक है और उनके अलग दूसरे भी बिजनेसेस हैं, तो वो जो डिपॉजिटर का मनी होगा वो अपने बिजनेस में भी यूज़ करेंगे, तो डिपॉजिटर का मनी वो एक्चुअली अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, अपने नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसी को रिलेटेड पार्टी लैंडिंग कहते हैं। स्पेशली डील्स दैट हाइड बिहाइंड कॉम्प्लेक्स कंपनी स्ट्रक्चर्स और वे स्ट्रक्चर्ड थ्रू लैंडिंग टू सप्लायर्स ऑफ प्रोमोटर्स एंड देन ग्रुप कंपनीज। तो ज़्यादातर ये जो डिपॉजिटर का पैसा होगा ये मेनली कुछ ही क्लाउड में रह जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स ऑफ प्रोमोटर्स और ग्रुप कंपनीज के बीच में ही रह जाएगा, और जिनको एक्चुअली जरूरत है क्रेडिट की उनको नहीं मिल पाएगी अगर हमने कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस दे दिया बैंक चलाने का। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला वन नेशन वन इलेक्शन। उनका ये कहना है कि इलेक्शन एक साथ ही हो जाने चाहिए नेशन में, क्योंकि वैसे हर जगह अलग अलग इलेक्शन होते हैं, हर बार हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद इलेक्शन होता रहता है, तो उससे डेवलपमेंट वर्क में हिंड्रेंस आ जाती है। और इसके अलावा रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, मनी वेस्ट होता है, बार बार अलग अलग इलेक्टोरल वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है, उसमें भी पैसे वेस्ट होते हैं। तो हमें रिसोर्सेज को रैशनलाइज करने का काम करना चाहिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला कि एक कॉमन वोटर लिस्ट होनी चाहिए सारे इलेक्शंस के लिए। ये सब कहाँ बोला है प्राइम मिनिस्टर ने, जो मैंने आपको बताया था ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है केवड़िया गुजरात में, वहां पर ये बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने बोला था वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक डिस्कशन का ही सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये जरूरत है आज के नेशन की, क्योंकि हर फ्यू मंथ्स के बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं म्यूनसिपैलिटीज पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन की वजह से क्या होता है डेवलपमेंट वर्क में हिंड्रेंस आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन जरूरी है कि एक नेशन और एक इलेक्शन होना चाहिए, बार बार हर समय सारे एक साथ ही सारे साइमल्टेनियस इलेक्शन करा देने चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें कॉमन वोटर लिस्ट बनानी चाहिए, भले ही लोकसभा असेंबली हो पंचायत हो। अभी हम देखते हैं कि सारे इलेक्शन के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, तो हम इतना सारा पैसा क्यों खर्च करें बेकार में, जब हम रैशनलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। और वहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली थी। इसका हम थीम देख लेते कि इसका थीम क्या था। ये जो केवड़िया गुजरात में कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसका थीम था हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और उन्होंने ये भी बोला कि ड्यूटीज और राइट्स
हम सबको ड्यूटीज और राइट्स दोनों परफॉर्म करने चाहिए। अगर राइट्स सेफगार्ड करने के लिए ड्यूटीज परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, उनका ये भी कहना था। और प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन जानने के लिए आगे आना चाहिए, और स्पीकर सबको ये बताना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कि जो यूथ है उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोदी सेड दैट द लैंग्वेज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ इट्स कॉमन सिटीजन फॉर हूम इट इज फ्रेम। ही सेड द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अर्ज स्पीकर्स टू हेल्प विद दैट टास्क। तो उन्होंने स्पीकर को बोला कि आप इस टास्क के लिए हेल्प कर सकते हैं यूथ को भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है तो वो कॉमन सिटीजन को इतनी समझ नहीं आती है, तो इसलिए स्पीकर को हेल्प करने के लिए बोला है। फिर ये भी बात की गई थी वहाँ पर, और ये बात स्पीकर ने बोली थी कि जैसे पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वैसे ही लेजिस्लेचर को भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। अ नंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स हैव एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट दे शुड ऑल्सो हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी द वे इट एग्जिस्ट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। आफ्टर दिस कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ही विल डिस्कस द इशू विद चीफ मिनिस्टर्स एंड ट्राई टू सी इफ ऑल लेजिस्लेचर्स कैन हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो मैंने आपको बात बताई जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पार्लियामेंट के पास है वैसे ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है। अब अजीत डोवाल जो है वो श्रीलंका जा रहे हैं और जयशंकर सेशल्स जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यों जा रहे हैं। अभी देखो चाइनीज एग्रेशन तो हो ही रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो तो बहुत ही एविडेंट है। तो न्यू दिल्ली इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम अपनी मेरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें जो कि इंडियन ओशन रीजन में। तो इसी के चलते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवाल है वो श्रीलंका में जा रहे हैं कि वहां पर वो की सिक्योरिटी मीटिंग करेंगे। इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वो सेशल्स जा रहे हैं। तो अभी वहां पर जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं वेवल रामकलवन, वहां पे कुछ बातें होंगी कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए रिलेशन। ही विल ऑल्सो होल्ड, अब देखो एक यहाँ पर सेचल्स में हमने प्रोजेक्ट बनाया है एजम्पशन आइलैंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एजम्पशन आइलैंड में सेचल्स द की पीस इन इंडियाज प्रोएक्टिव मैरिटाइम स्ट्रेटजी एज इट काउंटर्स चाइनाज मूव इंडियन ओशन रीजन में। पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जब वो अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया था, लेकिन ये आप याद रखने की एजम्पशन आइलैंड सेचल्स में जो है उसमें हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो कभी आ जाए कि इंडिया और उन आइलैंड नेशन में कैसा कॉपरेशन है तो आप ये भी मैंशन कर सकते हैं एजम्पशन आइलैंड के बारे में। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं कि किसके बारे में, जो रोशनी एक्ट है जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का एक्ट है, इसमें प्रोपरेटरी राइट्स दिए गए थे ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड, तो स्टेट लैंड को प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे, पर अब इस एक्ट को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने। तो अब जो वहां के लोग हैं उन्होंने स्पेशल जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बिजनेसमैन है रिटायर्ड जजेस हैं जिनको वहां से लैंड मिला था इस रोशनी एक्ट के अंदर, तो अब नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया तो ये सारे लैंड उनसे वापस ले लेगा स्टेट। तो वो लोग ने स्पेशल पिटीशन की है कि ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनको उनके लैंड्स वापस दिए जाए। तो बस ये एक न्यूज़ थी और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पे एक स्टडी की थी सीपीसीबी ने, तो उन्होंने पाया है जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो तो मोस्ट पॉल्यूटेड है ही रीजन इन द कंट्री, इनफैक्ट इन द होल वर्ल्ड। लेकिन इसके अलावा जो PM 2.5 का लेवल है वो सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ा है, और यहाँ तक कि जो गैंगेटिक प्लेन में है उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जो कि स्टडी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने की थी उससे पता चला है। तो ये स्टडी ज्वाइंटली कैरिड आउट बाय IIT दिल्ली एंड CPCB, और इससे ये भी पता चला जो एयर पोल्यूशन रूरल एरिया में है वो भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ जितना कि अर्बन एरिया में हुआ है। यहाँ पे डेटा भी दिया गया है ऑन PM 2.5 लेवल्स कटिंग अक्रॉस द अर्बन रूरल डिवाइड। द स्टडी साइज द एग्जाम्पल ऑफ डेली वेयर PM 2.5 इंक्रीज बाई 10.9% 2001 से लेकर 2015 तक, लेकिन सेम पीरियड में रूरल इंडिया में कितना इंक्रीज हुआ 11.9%। मतलब रूरल एरिया में पॉल्यूशन का जो PM 2.5 का लेवल है वो अर्बन एरिया से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो हम इसके रीजन भी देख लेते हैं। इसके रीजन यही है कि वहां पे डोमेस्टिक में सॉलिड फ्यूल यूज होता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। वी आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द 2020 डेटा एज वेल। तो ये जो रिजल्ट है 2019 के डेटा के बेसिस पर आया है। नेक्स्ट फ्यू डेज में माना जा सकता है कि पॉल्यूशन डिक्रीज होगा रूरल एरियाज में क्योंकि उज्ज्वला स्कीम आ गई जिसमें LPG फ्री मिलता है। तो अभी ये भी देखा गया कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो कि एयर पॉल्यूशन है रूरल एरियाज में वो वही है कि सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है, इसलिए हाउस होल्ड एमिशन वहां पर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो WHO का टारगेट है कि एयर क्वालिटी गाइडलाइन का 10 μg/m³ होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा है, और 99.5% डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में है वो इस टारगेट को नहीं मीट कर रहे, इससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीब्यूटर एयर पॉल्यूशन के हम देख लेते हैं। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जिनके यहाँ हाइएस्ट इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन माना गया है इन ईस्टर्न इंडिया वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा और थर्मल कोल पावर प्लांट्स है। सदर्न इंडिया में क्यों है पॉल्यूशन ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे हाई अर्बनाइजेशन है जो कि सिटीज है बेंगलुरु हैदराबाद, तो उसकी वजह से वहाँ पे एमिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अनफेवरेबल मीट्रोलॉजिकल कंडीशन इन द ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे मीट्रोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जिससे PM 2.5 बढ़ता है।
और रूरल इंडिया में क्यों बढ़ा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि वहाँ पे वो डोमेस्टिक यूज़ करते हैं फ्यूल का, सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जो कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर माना गया एम्बियंट PM2.5 इन इंडिया। तो हमें ये स्टडी से पता चल गया कि रूरल इंडिया में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन इंडिया, और ये 2019 का डेटा है। स्टडी किसने की थी? CPCB ने। और हमने देख लिया कि कहीं कहीं थर्मल कोल पावर प्लांट की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है, कहीं मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बढ़ रहा है। तो आप पॉल्यूशन के बारे में सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अब 26/11 टेरर अटैक्स हुआ था, उसके बाद भी इंडिया की जो फिशिंग वेसल्स है उसमें ट्रांसपॉन्डर्स नहीं है। मतलब ट्रांसपॉन्डर्स वो डिवाइसेस होती है जो कि हेल्प करती है ट्रैक करने के लिए शिप को। तो हम देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है। 12 years आफ्टर 26/11 अटैक एक्सपोज वाइड गैप्स इन इंडिया कोस्टल सिक्योरिटी। तो जो 26/11 अटैक हुआ था उससे हमें इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी में वाइड गैप्स का तो पता चली गया था। इसके अलावा अभी भी 12 साल के बाद भी 60% जो इंडिया की नियरली 3 lakh फिशिंग बोट्स है वो 20 meter से छोटी हैं, और इनमें बहुत सारी बोट्स में ट्रांसपॉन्डर्स हैं ही नहीं, इसलिए अथॉरिटीज उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती हैं। अब इन 2009 द सेंटर हैड मैंडेटेड दैट ऑल फिशिंग वेसल्स ओवर 20 meters लॉन्ग शुड हैव AIS ट्रांसपॉन्डर्स, हाउएवर दिस लेफ्ट आउट द स्मॉलर बोट्स। तो 2009 में सेंटर ने मैंडेट किया था कि सारी फिशिंग वेसल्स जो कि 20 मीटर से लंबी हैं उनमें AIS ट्रांसपोंडर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें स्मॉलर बोट्स को बाहर रखा गया था। इसकी वजह से 26 गैर अटैकर्स ने इन्फ्लेमेटेबल मोटर बोट्स यूज की थी मुंबई शोर तक पहुंचने के लिए। ये जो स्मॉलर बोट्स है, क्योंकि स्मॉलर बोट्स में तो हमने मैंडेट किया ही नहीं है कि आपको ट्रांसपोंडर्स लगाने हैं। अब ट्रांसपोंडर्स का यूज़ क्या क्या होता है? ट्रांसपोंडर्स मैंने आपको बताया अथॉरिटीज को चेक करने के लिए, अच्छे से ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं कि वो बोट कहाँ कहाँ जा रही है, तो उसका मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट ओनरशिप किसकी है, नेशनलिटी, हिस्ट्री। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोंडर्स और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम द वेसल्स आर ट्रैक्ड आइदर थ्रू स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स और थ्रू सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अगर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं है, फिर ट्रांसपोंडर्स नहीं, तो उनको कैसे ट्रैक किया जाएगा? तो उनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के थ्रू ट्रैक किया जाता है या तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू ट्रैक किया जाता है, और ये ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द ट्रांसपोंडर्स जिनको आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो। द नेवीज प्रपोजल टू क्रिएट अ नेशनल मेरीटाइम अवेयरनेस सेंटर इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो नेवी के प्रपोजल है कि हमें एक नेशनल मेरीटाइम अवेयरनेस सेंटर बनाना चाहिए, तो अभी ये कंसिडरेशन में, अभी ये बना नहीं है। इसके अलावा सेंटर ने भी बोला एक मल्टी एजेंसी बॉडी बनेगी जो कि इंक्लूड करेगी नेवी, कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इसकी भी बात की गई है। इसके अलावा एक IMAC भी एक नोडल सेंटर बनाया गया था फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड कोवेलेशन एंड डिसेमिनेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में उसको डिसेमिनेट करने के लिए एक और नोडल सेंटर बनाया गया था IMAC, जिसकी फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इसके अलावा ये भी बोला गया एनी कमर्शियल शिप विद ग्रॉस टोनेज ऑफ ओवर 300 इज मैंडेटेड टू हैव AIS इंटरनेशनली। तो जिसका ग्रॉस टोनेज 300 से ज्यादा है तो उसको बोला गया कि आपको मैंडेटरी है कि आपको AIS इंटरनेशनल लगाना ही लगाना है। इसके अलावा तो ऑफिशियल सेड दैट सम लार्ज शिप्स टू डू नॉट ट्रांसमिट ऑन AIS, पर ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि बहुत सारी लार्ज शिप्स हैं जिनमें ये ट्रांसमिशन नहीं होता AIS के द्वारा, उनको हम डार्क शिप्स बोलते हैं। ही स्टेटेड दैट दीज गैप्स एक्सप्लॉइटेड बाय द सबवर्सिव एलिमेंट्स, और एनी जैसे डार्क शिप्स हैं जिसमें AIS नहीं है इन्हीं सब का यूज करते हैं सबवर्सिव एलिमेंट्स, और फिर यही सबसे टेरर अटैक्स भी हुए हैं। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये टेरर एक्टिविटीज को हेल्प करते हैं सारी चीज़ें जो हम लूप होल्स छोड़ देते हैं। अब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द रेड लाइन। तो अभी मैं आपको बता रही थी केवड़िया गुजरात में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वही वहाँ पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की बात की गई थी। तो इसमें मेनली ये बोला गया है, इस ऑथर ने ये बोला है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जैसे बोला था कि जुडिशरी बहुत ज्यादा ओवर रीच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली फायर वर्क को बैन कर दिया गया था, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये सब एग्जीक्यूटिव के काम है, लेकिन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के जुरिसडिक्शन में जाके ये सारे काम करती है। पर ऑथर का कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात गलत बोली है, जबकि ऑथर का ये कहना है कि जो ओवर रीच हो रही है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो रही है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के जुरिसडिक्शन में जाके ओवर रीच कर रहा है। तो अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं जो कि थीम था इस बार का। मैंने आपको बता दिया कि केवड़िया गुजरात में क्या थीम था, हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि 2-day 80th ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी केवड़िया गुजरात में, जहां पे सबने अटेंड किया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और बहुत सारी बातें उन लोगों ने बोली। तो कल कंक्लूडिंग डे था और कल 71st कॉन्स्टिट्यूशन डे भी था। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की थी मर्यादा की, मतलब सबको अपनी बाउंड्रीज में रह के काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव को अपना काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना चाहिए, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, तभी सेपरेशन ऑफ पावर्स रह सकता है, चेक्स और बैलेंसेस रह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए भी गए हैं। भले ही फॉर्मलिस्टिक मैनर में नहीं बताए गए, पर बताए गए। लेकिन अगर सब एक दूसरे के जुरिसडिक्शन में जाएंगे तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा।
उन्होंने ये भी बोला कि तीनों को कैसे हार्मनी में रहकर काम करना चाहिए एंड ऑफ द नीड टू फाइंड न्यूअर वेज ऑफ कनेक्टिंग द पीपल विद द कॉन्स्टिट्यूशन दे गेव देमसेल्फ एंड पॉपुलराइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एथोस एंड लैंग्वेज। तो प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लोगों ने खुद दिया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर पाए, हमें ऐसे वेज बनाने चाहिए। तो मैंने आपको पीछे बताया अभी था जो लास्ट न्यूज़ थी या लास्ट टू लास्ट न्यूज़ थी, कैसे है स्पीकर को ये बोला गया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है तो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एथोस और लैंग्वेज से वो लिंक कर पाए। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने क्या बोला कि कैसे एक्सेसेस हो रही है ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वायलेशन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन बाय द एग्जीक्यूटिव एट टाइम्स इज टू विजिबल। वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी बोला कि कभी कभी राइट्स एंड लिबर्टी सिटीजन की कैसे बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस की जाती है, उनकी लिबर्टी को वायोलेट किया जाता है। एट टाइम्स लेजिस्लेचर टू हैज क्रॉस द लाइन, उनका कहना है लेजिस्लेचर ने भी लाइन क्रॉस की, एग्जीक्यूटिव ने भी क्रॉस की, पर जुडिशियल ओवररीच बहुत ज्यादा हुई एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ द जुरिसडिक्शन सैंक्टिटी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कोर्ट ने कहां का इंटरवीन किया जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है या पॉलिसी मैटर है। तो ऑथर के कहना है देयर इज इंडीड एज द वाइस प्रेसिडेंट सजेस्टेड अ नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन अ डिस्टर्ब कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस बट नॉट क्वाइट द वे ही मेंट इट। द एग्जीक्यूटिव मस्ट आस्क इटसेल्फ इफ द मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन ऑल डोमेन्स एंड वेदर इट इज डूइंग अ डिसर्विस टू इट्स मैंडेट बाय वील्डिंग इट लाइक अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। तो ऑथर का कहना है जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी मेजोरिटी को ऐसे यूज करती है हर डोमेन्स में, मतलब जो उसका जूरिस्डिक्शन नहीं है वो उसमें भी यूज करती है, उसको ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है, और जो बाकी लेजिस्लेटिव की जो लेजिस्लेटिव का जो स्कोप है, जो जुडिशियरी का स्कोप है, वो उन दोनों में ओवर रीच कर रही है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो ओवर रीच कर रहा है वो जुडिशियरी नहीं एग्जीक्यूटिव है एंड द जुडिशियरी मस्ट टर्न द गेज विद इन इट ऑर्डर टू रिट्रीव अ सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्फ। और ऑथर का कहना है कि जुडिशियरी को अपनी ज्यूरिसडिक्शन सैंक्टिटी को बचा के रखना चाहिए और अपना सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्फ को रिट्रीव करने के लिए कुछ करना चाहिए जो कि अब धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा है, तो रिसीड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पर मुझे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं लगा था, ये एक आर्टिकल है कैपिटल मिस्टेक। तो जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बात की है कि हम जो बैंक का लाइसेंस देंगे कॉर्पोरेट ग्रुप्स या इंडस्ट्रियल हाउसेस को, तो ऑथर ने बोला है कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, वो बहुत सारे हम रिस्क देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स होल्ड दिस व्यू बिकॉज अलाउइंग इंडस्ट्रियल हाउसेज टू ओन बैंक हैव फ्यू बेनिफिट्स एंड मेनी रिस्क। ऑथर का कहना है इसमें कुछ तो बेनिफिट है पर बहुत ज्यादा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट दी थी उसका ये था कि अगर इंडस्ट्री ओन्ड बैंक सब बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जो कि अभी बहुत लो है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उसको जितनी क्रेडिट की जरूरत है उसके कंपेरिजन में क्रेडिट बहुत कम है। तो अगर हम कॉर्पोरेट हाउसेज को दे देंगे बैंक का लाइसेंस तो क्रेडिट बहुत ज्यादा मार्केट में ग्रो हो जाएगा जो कि एक अच्छी बात है। क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स आर इंडीड अ रियल प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग मोर बैंक्स इज सर्टेनली वन वे ऑफ एड्रेसिंग द इशू। तो ऑथर का कहना है क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स तो हैं और हम इसको अगर हम बैंक बना दें तो ये इशू एड्रेस हो सकता है, पर ऑथर का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि हम इसके लिए ज्यादा बैंक्स को इनकरेज करें ना, ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करें। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल हाउसेज को बैंक बनाने देंगे, ये नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग बैंक स्पेसिफिकली ओन्ड बाई इंडस्ट्री। और इसके अलावा ऑथर ने और क्या क्या बोला कि अगर हम कॉर्पोरेट हाउसेस को लाइसेंस दे देंगे तो उससे क्या क्या दिक्कत आएंगी, ओवर फाइनेंसिंग ऑफ रिस्की एक्टिविटीज, जो रिस्की एक्टिविटीज होंगी उसकी ओवर फाइनेंसिंग होगी। इसके अलावा इनएफिशिएंसी होंगी, मतलब एग्जिट नहीं हो पाएगी, चीजें बंद नहीं हो पाएंगी, एक बार खुल गई तो खुल गई भले वो लॉस मेकिंग में चल रही है। तीसरा इंट्रेंचिंग डोमिनेंस। तो ऑथर ने तीनों पॉइंट को डिस्क्राइब किया, हम देखते हैं। पहला लैंडिंग टू फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रुप्स अलाउज देम टू अंडरटेक रिस्की एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉर्पोरेट का ही फॉर्म है तो वो अपने फॉर्म को ही देगा भले ही वो किसी रिस्की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जिसकी कंपनी होगी वो ज्यादातर बैंक का पैसा अपनी कंपनी में तो डालेगा, क्योंकि उसको ज्यादा फाइनेंस, अगर वो रिस्की एक्टिविटी तो फाइनेंस नॉर्मली रेगुलर चैनल से तो मिल नहीं पाएंगे, तो वो इन सारे बैंक के पैसों को जो डिपॉजिटर का पैसा उसे यूज करेगा उन रिस्की एक्टिविटीज में। पोस्ट लेंडिंग टू फॉर्म दैट अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रुप अलाउ देम टू अंडरटेक रिस्की एक्टिविटीज दैट आर नॉट इजली फाइनेंसेबल थ्रू रेगुलर चैनल्स प्रेसाइसली बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर रिस्की, दे ऑफन डू नॉट वर्क आउट एंड व्हेन दैट हैपेंस इट इज टिपिकली टैक्सपेयर्स हु एंड अप फुटिंग द बिल। और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं कि आईएलएनएफएस क्राइसिस आई तो फाइनली क्या जाता है बाद में, जैसे उसको एलआईसी खरीद रही है तो एलआईसी ने उसके शेयर्स लिए और एलआईसी बोल रही है कि हम इसको जो भी इसका लॉस हुआ हम ठीक करेंगे, तो एलआईसी तो मेनली टैक्सपेयर्स का मनी ही यूज करेगी ना उसमें, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसका हम पे ही प्रीमियम ज्यादा, फिर एलआईसी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी महंगी करेगी, एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी महंगी करेगी तो हमें ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, इससे फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ हाउस होल्ड होता है, तो दिक्कत तो फाइनली टैक्सपेयर को यानी टैक्सपेयर को सारा पैसा भरना है। इन प्रिंसिपल कनेक्टेड लैंडिंग, मैंने आपको बता दी कि कनेक्टेड लैंडिंग क्या होती है, तो ऐसा सेम सिस्टम इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस हुआ था और इंडोनेशिया ने इसे ट्राई करने की कोशिश भी की थी। इट बैंड द प्रैक्टिस
बट इज द अथॉरिटीज देयर फाउंड टू देयर डिसमे नो मैटर हाउ ओपन देयर टाइटेंड द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड लैंडिंग. तो इंडोनेशिया ने कॉर्पोरेट हाउसेस को लाइसेंस तो दिया था पर उन्होंने कनेक्टेड लैंडिंग को बैन कर दिया था. लेकिन उसके बाद भी जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उन्होंने उसमें से लूप होल्स निकाल ही लिए थे और जो डिपॉजिटर्स का पैसा था उसे अपने कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया था. तो ऑथर का कहना है कि आप कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ लूप होल तो निकाल ही लेते हैं. द ओनली सोल्यूशन इज टू बैन कॉर्पोरेट ओन्ड बैंक. तो ऑथर का कहना है कि एक ही सोल्यूशन है कि आप कॉर्पोरेट ओन्ड बैंक को आने ही मत दो. इट इज ऑल्सो वाई इंडियन पॉलिसी मेकर्स ओवर 7 decades हैव कॉन्शियसली एंड वाइसली ड्रॉन अ लक्ष्मण रेखा बिटवीन बैंकिंग एंड इंडस्ट्री. तो ऑथर का कहना है यही बात है कि हमने 7 decades हो चुके हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस को पर हमने कॉर्पोरेट को कभी लाइसेंस ही नहीं दिया बैंक बनाने का क्योंकि हमें पता है इससे क्या हो सकता है. अब और क्या ऑथर ने बताया, ऑथर ने बोला कि अभी भी इतना ज्यादा सुपरविजन होता है पर उसके बाद भी कितने सारे बैंक लॉसेस में जा रहे हैं और कितने सारे स्कैम भी हुए. फॉर एग्जाम्पल येस बैंक में अभी हमें पता चला ILNFS लक्ष्मी विलास बैंक. तो अगर हम RBI को बोले अभी RBI इन सबको मैनेज नहीं कर पा रहा उसको एक और चीज दे दें कि जो हाउसेस बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं उनको आप सुपरवाइज करो तो ये तो मतलब ये हो गया कि उनसे कोई इम्पॉसिबल चीज करने को कह दिए. तो ऑथर का कहना है एक्सपेक्टिंग द RBI और अदर इंस्टीट्यूशन टू इफेक्टिवली रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस टर्न बैंक इज टू आस्क द इम्पॉसिबल. रेगुलेशन एंड सुपरविजन नीड टू बी स्ट्रेंथन कंसिडरेबली टू डील विद द करेंट प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सिस्टम बिफोर दे आर बर्डन विद न्यू रेगुलेटरी टास्क. तो ऑथर का कहना है कि तो अभी सिस्टम में दिक्कतें चल रही पहले उसको हम स्ट्रेंथन कर लें और सिस्टम को अपने अच्छा कर लें उसके बाद ही हमें कोई न्यू रेगुलेटरी टास्क देना चाहिए RBI को. और क्या क्या बोला गया हम देखते हैं. यहाँ पर तो कुछ नहीं है. यहाँ पे बोला है द COVID-19 क्राइसिस इज एग्रीवेटिंग दिस पिक्चर बिकॉज दोज विद डीप पॉकेट्स विल नॉट ओनली मोर इजली सर्वाइव द क्राइसिस दे विल बी एबल टू टेक ओवर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस दैट हैव नॉट हैड द रेजिलियंस ऑफ रिसोर्सेज टू वेदर द COVID-19 गेल. अब ऑथर का कहना है कि जैसे जैसे लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो रही है जैसे कि हम इंडस्ट्रियल डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगी अगर हम उनको बैंक का लाइसेंस दे देंगे तो इंडियन इकोनॉमी में क्या हो जाएगा. जो ओवर कॉन्सेंट्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कॉन्सेंट्रेशन है विद इन इंडस्ट्रीज मतलब कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेज और वही वही ग्रो करते जा रहे हो नीचे वालों को MSME को कभी वही नहीं मिलता है कि वो ऊपर जा पाए. बट इन सम केसेस द डोमिनेंस ऑफ अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज स्पेंस मल्टीपल सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज को देख सकते हैं वो तो हर सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर में पेट्रोलियम सेक्टर में हर सेक्टर में. तो COVID-19 क्राइसिस धीरे धीरे इस पिक्चर को और एग्रेवेट करेगी क्योंकि उनके पास डीप पॉकेट्स उनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो इन क्राइसिस को सर्वाइव भी कर पाएंगे और जो स्मॉल मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेस हैं जिनके पास इतने रेजिलियंस और रिसोर्सेज नहीं है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो वो जो क्रेडिट चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा. वो अपना क्रेडिट अपने लिए ही यूज करेंगे अपने कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए यूज करेंगे. और क्या है फॉर एग्जाम्पल वन कैन इमेजिन अ कॉर्पोरेट हाउस ट्राइंग टू अज्यूम डोमिनेंस इन द पेमेंट्स स्पेस एंड यूजिंग दैट टू डोमिनेट द ई कॉमर्स स्पेस. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉर्पोरेट हाउस पहले डोमिनेंस बनाता है अपना पेमेंट स्पेस में. फॉर एग्जाम्पल उसने अपना पेमेंट का कोई ऐप खोल दिया उसके बाद ई कॉमर्स स्पेस में डोमिनेंस बनाता है तो सारे उसके डोमिनेंस लिंक देना हम देख सकते हैं पहले वो पेमेंट स्पेस में आता फिर ई कॉमर्स स्पेस में आता तो वो मल्टीपल सेक्टर में जा रहा है. गेटिंग द राइट टू ओन अ बैंक कुड फैसिलिटेट द फॉर्मर देयर बाई एनेबलिंग द लेटर लेटर. तो अगर हम उसको बैंक खोलने का भी राइट दे देंगे तो उससे पेमेंट स्पेस में वो और ज्यादा डीप हो सकता है और इससे उसका ई कॉमर्स स्पेस और ज्यादा बड़ा हो सकता है. तो ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया एग्जाम्पल काफी अच्छा था. तो इससे इम्बैलेंसेस बढ़ेंगे और इससे डोमिनेंस की साइकिल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जो कि अभी पहले से हम देखें कितना ज्यादा डोमिनेंस है कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस का. इन अदर वर्ड्स द गोल हैज बीन टू इंश्योर दैट क्रेडिट फ्लोज टू द मोस्ट इकोनॉमिकली एफिशिएंट यूजर्स सिंस दिस इज द की टू सिक्योरिंग रैपिड ग्रोथ. ऑथर का कहना है जो क्रेडिट जाना चाहिए वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट यूजर्स को जाना चाहिए जिनको एक्चुअली जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल MSME को जाना चाहिए क्योंकि यही की होता है टू सिक्योर रैपिड ग्रोथ. इफ इंडिया नाउ स्टार्ट्स ग्रांटिंग बैंकिंग लाइसेंस टू पावरफुल पॉलिटिकली कनेक्टेड इंडस्ट्रियल हाउसेस अलाउंग देम टू डिटरमाइन हाउ क्रेडिट इज एलोकेटेड वी विल इफेक्टिवली बी अबैंडनिंग दैट लॉन्ग हेल्ड ऑब्जेक्टिव. तो ऑथर का कहना है कि अगर हम बैंकिंग लाइसेंस दे देंगे जो कि पावरफुल और पॉलिटिकली कनेक्टेड इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं तो उसकी वजह से क्या होगा क्रेडिट किसको एलोकेट होगा क्रेडिट उन लोगों को एलोकेट नहीं होगा जिनको एक्चुअली जरूरत है. इंडियन कैपिटलिज्म हैज बीन लॉन्ग स्टिग्मेटाइज्ड बिटवीन ऑफ द मर्की टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडस्ट्रियल कैपिटल. तो आपको क्रोनी कैपिटलिज्म का तो पता ही है कि जो पॉलिटिकल हाउसेस से ज्यादा लिंक्ड हो तो उनको ही सारे बेनिफिट मिलता है. तो ऑथर का कहना है कि ये जो लाइन है बिटवीन द स्टेट एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल वो तो बहुत ही ज्यादा ब्लर्ड है. अगर हम इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल के बीच की भी लाइन इरेज कर दें तो ये जो स्टिग्मा है कि हमारे यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म का स्टिग्मा ही और ज्यादा वर्स ही होगा. Corporate houses that are already big will be enabled to become even bigger by having access to raise and redirect resources, allowing them to dominate the economic and political landscape. तो ऑथर का कहना है कि अभी जो रिसोर्सेज है उनके पास और भी ज्यादा कर देंगे हम बैंक का लाइसेंस देके तो इससे क्या होगा वो अभी जो इकोनॉमिक लैंडस्केप और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में डोमिनेट करते हैं वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी डोमिनेट करने लग जाएंगे. इसलिए ऑथर का कहना है एक रूल बेस्ड वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में. तो ये बोले तो कंक्लूजन क्लियर है अगर हम इंडस्ट्री और फाइनेंस को मिक्स कर देंगे
तो रोड है जो वो बहुत ही डेंजर भरी है, ग्रोथ पब्लिक फाइनेंस सबके लिए, तो वी सिंसियरली अर्ज पॉलिसी मेकर्स नॉट टू टेक दिस पाथ। तो ऑथर का कहना है कि पॉलिसी मेकर्स को हम बोलेंगे कि वो इस पाथ को ना ले। तो हर चीज़ का रिस्क और बेनिफिट तो होते ही, तो ऑथर ने इसमें ज्यादातर ये बताए हैं कि कॉन्स क्या है सिस्टम के, बाकी प्रोस तो हमें पता ही है इससे क्या होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, टेक अवेज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एरर। तो जो ऑक्सफोर्ड को जो वैक्सीन की एफिकेसी चेक करने की थी, जो हाफ डोज और उसके बाद एक मंथ अपार्ट फुल डोज वाली एफिकेसी थी, वो एक्चुअली एरर की वजह से हो गई थी। वो ऐसा कुछ डोसेस देना ही नहीं था उनको, डोसेस फुल डोसेस और मंथ अपार्ट के बाद एक फुल डोसेज ही देना था। तो इसमें ये बताया गया कि ऐसे एरर्स भी हो रहे हैं ट्रायल्स में, तो कैसे रेगुलेट हो रहा है ट्रायल्स का कुछ पता नहीं है। तो ऑन मंडे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ये बोला कि उनकी एफिकेसी 90% अगर एक बार हाफ डोज दी जाए और मंथ अपार्ट एक फुल डोज दी जाए। व्हाट दे डिड नॉट डिस्क्लोज इनिशियली वाज दैट दीज फाइंडिंग्स वर द रिजल्ट ऑफ ए मिस्टेक, ये मिस्टेक की वजह से हो गया था क्योंकि हाफ डोज तो देनी ही नहीं थी। द नियरली 3000 पार्टिसिपेंट्स इन द यूके ऑन हुम दिस रिजल्ट वाज बेस्ड वर नेवर सपोज टू बी गिवन अ लोअर डोज इन द फर्स्ट प्लेस। ये रेवलेशन से क्या पता चलता है कि ये ट्रायल्स हो कैसे रहे, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ही ज्यादा कमी है। इसके अलावा ये भी नहीं पता है कि कोई सेंट्रलाइज DSMB है भी नहीं, डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड, क्या वो सारे डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ब्राजील और यूके से, यूके में तो पता चला है पर अदर कंट्रीज में कैसे चल रहा ट्रायल कुछ नहीं पता है। एंड रिपोर्टिंग आउट अ सेकेंडरी एनालिसिस दैट वाज नॉट प्री स्पेसिफाइड इज नॉट डिजायरेबल। और इस आर्टिकल में ये भी बोला है कि आपको सिर्फ उसी एफिकेसी के रिजल्ट बताना चाहिए था जो कि आपने प्री स्पेसिफाई कर रखी थी, कि आपको वो स्टडी करनी थी, आपने उसका भी रिजल्ट बता दिया जो कि एरर की वजह से आपकी एफिकेसी ज्यादा आ गई, तो ये डिजायरेबल नहीं है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ने ये भी बोला है ड्यू टू अ डिफरेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब ये एरर्स हुए क्यों, तो ऑक्सफोर्ड का ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंस की वजह से जो वैक्सीन थी उसकी कम डोसेज थी, तो उसकी वजह से डोसेज हमने ओवर एस्टिमेट कर लिए थे, पर डोसेज कम थी इसलिए हमने हाफ डोज ही दी थी बींग एडमिनिस्टर्ड एज द फर्स्ट डोज, तो इसकी वजह से ये एरर आ गया था। अब इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं तो उसमें भी क्या ऐसा माना जा सकता है? तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व्हिच इज टेस्टिंग कोविशील्ड इन इंडिया टू क्विकली सबमिट अ प्रोटोकॉल फॉर एडिशनल स्टडीज दैट कैन टेस्ट दिस वैक्सीन यूजिंग हाफ अ डोज टू स्टार्ट विद। तो अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी पहले हाफ अ डोज को टेस्ट करना चाहता है, तो ऑथर का ये कहना है कि अगर उसे ये करना है तो उसको पहले इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल बताना चाहिए, और उसको प्रोटोकॉल बताना चाहिए कि मुझे ये ऐसी स्टडी करनी है, पहले बताना चाहिए। सीरम सर आस्क फॉर ऑल द डेटा फ्रॉम द एस्ट्राजेनेका स्टडी टू शेयर विद द DCGI एंड टू डू वेरी क्विक इमरजेंसी स्टडीज ऑन कोविशील्ड टू डिसाइड ऑन एन अप्रोप्रिएट डोज। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है। अब इसमें पार्डन पावर को कंपेयर किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट की। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर है बहुत ही अनफेटर्ड है, मतलब उसमें कुछ भी हिंड्रेंस नहीं है, उसको जो करना है वो कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हैज द कॉन्स्टिट्यूशन, बस वो दो जगह ही उसकी पार्डन पावर में कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल वो स्टेट लॉ के लिए पार्डन नहीं कर सकता और इम्पीचमेंट के लिए पार्डन नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंसेस रिलेटेड टू फेडरल क्राइम, पहली बार वो फेडरल क्राइम्स के लिए पार्डन और कम्यूट कर सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया है कि ये पावर जो है वो विदाउट एनी लिमिट है और इसको कांग्रेस रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। तो पहली बात ये कि वो पार्डन कर सकता है, कम्यूट कर सकता है फेडरल क्राइम से रिलेटेड, और उसे ये पावर विदाउट एनी लिमिट है और कांग्रेस भी इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। क्लेमेंसी इज अ ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर एंड इज डिस्क्रिशनरी, और जो क्लेमेंसी की पावर वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब प्रेसिडेंट किसी को भी आंसरेबल नहीं है अपनी पार्डन के लिए, वो जिसको चाहे पार्डन कर सकता है और उसको इसके लिए रीजन देने की भी कोई जरूरत नहीं। पर इसके कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट को अगर रिप्राइव और पार्डन देनी है किसी भी ऑफेंस के लिए, पर वो इम्पीचमेंट के केस में नहीं दे सकता है। दूसरी बात, वो स्टेट क्राइम के लिए नहीं दे सकता। अगर प्रेसिडेंट ने उसे पार्डन कर दिया तो उसने फेडरल क्राइम के लिए वो कर सकता है पार्डन, और स्टेट क्राइम के लिए उसका केस चल सकता है इंडिविजुअल स्टेट में। इसके अलावा अभी ट्रंप ने किसी को पार्डन कर दिया था, और इसके अलावा और भी बहुत लोगों को पार्डन किया था। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि बराक ओबामा के टेन्योर में कितने लोगों को पार्डन किया गया था, और उससे पहले हाईएस्ट क्लेमेंसी किसके टाइम में ग्रांट की गई थी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंडिया के प्रेसिडेंट के पास कौन सी पार्डनिंग पावर हम देख लेते हैं। अनलाइक द यूएस प्रेसिडेंट हुज पावर्स टू ग्रांट पार्डन आर ऑलमोस्ट अनफेटर्ड, तो यूएस प्रेसिडेंट जिसको अनफेटर्ड पावर से पार्डन ग्रांट करने की, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको एक्ट करना पड़ता है पार्डन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। जो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्डन की पावर मिलती है प्रेसिडेंट को, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो डेथ को भी पार्डन कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर को भी सेम पार्डनिंग पावर है, पर गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, आपने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा, ये जो गवर्नर है ये मार्शल कोर्ट के द्वारा भी किसी डेथ को पार्डन नहीं कर सकता है, पर वो कर सकता है, यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। तो मार्शल कोर्ट और डेथ सेंटेंस को ये पार्डन नहीं कर सकता है गवर्नर। द
प्रेसिडेंट कांट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो प्रेसिडेंट है पावर पार्डन की एक्सरसाइज करता है वो एक्चुअली होम मिनिस्ट्री के पास जाती है पहले मर्सी प्ली, फिर होम मिनिस्ट्री कैबिनेट की एडवाइस लेकर राष्ट्रपति को बताती है कि क्या करना है। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री होती है वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज देती है कि आप इस पर रिप्लाई दो, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना डिसीजन लेते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट डिसीजन दे रहे हैं कि पार्डन करना है कि नहीं करना है। तो ये एससी ने ये भी रूल किया था कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कौन कौन से केस में बोला गया था, ये बोला गया था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अलावा जो 74 आर्टिकल 74 क्लॉज 1 है तो वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि आप एक बार एडवाइस की रिकंसिडरेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम एडवाइस देती है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बल्कि उसको एक्सेप्ट ही करना होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी ये फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री को माना जाता था एफसी कोहली, तो अभी इनकी डेथ हो गई है। तो एफसी कोहली द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टीसीएस एंड पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पास्ड अवे। तो इन्होंने एक जेआरडी टाटा के बिहेस पे टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था 1969 में। इसके अलावा इंडिया टू ऑफर इंसेंटिव्स फॉर सोलर मॉड्यूल्स। तो अभी डोमेस्टिक सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो धीरे धीरे 36 गीगावाट तक बढ़ जाएगी ऐसा माना गया इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कहना है। तो अब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसके लिए इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ताकि लोकल प्रोडक्शन हो सके इन सारे प्रोडक्ट्स का। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगता है न्यूज़पेपर या फिर आपको कोई कमी लगती है कि और भी कुछ ऐड होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।